सतना जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र से आरोपी को छोड़ने का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित के परिजनों ने आईजी से मिलकर निष्पक्ष जांच करने और निरीक्षक को बर्खास्त करने की मांग की है। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि मई 2020 में आरोपियों ने पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसमें अमरपाटन थाना के निरीक्षक संदीप भारती ने एक आरोपी को छोड़ दिया है। पीड़ितों ने रीवा पहुंचकर पुलिस महानिरीक्षक से उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित और पुलिस महानिरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव का इस मामले में क्या कहना है। घटना 13 मई 2020 की है। कुछ परिवार के हमारे सदस्य और बाहरी व्यक्ति ने चार क्लासिक गाड़ियों में बंदूक चलाए, घर में घुसे, दुकान में आए, गोली चलाई, फायर किया, जिससे गोली हवा में चली गई। इसके द्वारा चार क्लासिक मिले आए थे गुंडे। इसके बाद मैंने जाकर रिपोर्ट किया थाना में। चार लोग क्षेत्र से आए, मैंने तहसील अमरपाटन रामपुर बघलान थाना अमरपाटन जिला सतना ग्राम अहिर गाँव जी। फिर चार लोग तो अंदर चले गए। इसके बाद उनकी जमानत हो गई। दो लोग सौरभ द्विवेदी उर्फ एसएस द्विवेदी, इनको ने पुलिस 13 मार्च को पकड़ी सिविल लाइन थाना में। इसके बाद थाना अमरपाटन को सुपुर्द किए। तीन दिन बैठाने के बाद 15/3/2022 को कल लगभग 2 बजे के बाद उसको थाने से ही रिहा कर दिया गया। उसमें ये बता रहे हैं संदीप भारती जी का कहना है कि नाम मिस्टेक है रिकॉर्ड के अनुसार। सर निवेदन ये था कि जिसको हमने प्रत्यक्ष देखा है लगभग गांव से 6 किलोमीटर दूर, तो एक्चुअली उसका कंफर्म नाम तो नहीं कर सकते। जो नाम हमने जाना वो लिखवाया और अब सिविल लाइन थाना TI साहब और पाटन पुलिस बल के सामने मैंने उसको पहचाना भी, जिसकी कार्रवाई कोई नहीं की। इसलिए हम अतिरिक्त महोदय के पास IG साहब के पास आए थे कि हमारी गुहार सुनी जाए। क्या उसको छोड़ दिया गया है, आपने देखा है? हाँ, मैंने देखा हूँ। मैं ढाबा है एक तेजा होटल, वहीं बैठा था उनके पिताजी, और वो निकले, ब्रेक लगाए और हंसे खूब तेज से और चले गए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हो सकता है मेरी जान खतरे में हो और दूसरी बार न रहूँ। यहाँ IG साहब से मिले तो क्या? IG साहब ने आश्वासन दिया है और बोला कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। क्या नाम है आपका? शुभम प्रताप सिंह, पिता श्री देशराज से। कोई पुरानी मैटर है 2020 का, वो बलवा मैटर है, तो उसमें कुछ कच्चा रास्ता जमीनी विवाद है, उसमें जांच करेंगे। उसमें तो 2-4 लोगों को ऑलरेडी पकड़ चुके, एक को शायद, एक को नहीं हुआ, उस पर कार्रवाई करेंगे।